उत्तर प्रदेश में पुलिस अफसरान भले ही अपराध को खात्मे करने के लिए लाख दावे कर लें, लेकिन एक घटना से ही उत्तर प्रदेश की पुलिस की सारी मुस्तैदी की पोल खुल जाती है। जहां एक तरफ योगी सरकार में अपराधी सरेंडर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरदोई में बेलगाम बदमाश घरों में डाका डालकर लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हुए जा रहे हैं। पुलिस अपराधियों की तलाश के बजाय डाकू को चोरी में तब्दील करने में जुटी हुई है। जानकारी अनुसार हरदोई के पाली थाना इलाके में अज्ञात असलाहधारी बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंचे एसएसपी ने मौके पर जाकर पड़ताल की। परिजन इस घटना में 2 लाख की नकदी समेत लाखों का सामान जाने की बात कह रहे हैं। वहीं पुलिस इसे डकैती नहीं चोरी की घटना मान रही है और पड़ताल कर जल्द खुलासा किए जाने की बात कह रही है। पाली रूपापुर रोड पर शहीद आबिद खां की मजार के पास अज्ञात बदमाशों ने अली मोहम्मद के घर में धावा बोल दिया। बताया जाता है कि बदमाश पिछले दीवार के सहारे रात 1 बजे घर में घुसे। लगभग एक दर्जन नकाबपोश बदमाशों ने दूसरी मंजिल पर सो रहे मझले बेटे नजर मोहम्मद को तमंचे की नोक पर बंधक बना लिया। नजर मोहम्मद को बंधक बनाने के बाद बदमाश उसे नीचे घर में ले आए। बेटे को बंधक बना देख घर के अन्य परिजनों को भी बंधक बनाकर बदमाशों ने परिजनों के मोबाइल छीन लिए। इन सबके बीच लगभग 2 घंटे तक लूटपाट करने के बाद लाखों के आभूषणों से नकदी पर हाथ साफ कर चले गए। पुलिस व फॉरेंसिक टीम के सदस्य जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। परिजनों को बंधक बनाकर लूट करने की घटना से कस्बे में भय का माहौल व्याप्त हो गया। माल जो कुत्ता घर में बहुत चला गया, लड़की एक बहू लौड़िया और पैर जो भी था बहुत चला गया। माल में क्या क्या किया गया? माल तो कई माल चले गए, जो मिल गया कहीं नहीं गई, कंटूलर गए, कड़े थे उनके बहुत पुराने रखे कारण जो है एक माल थोड़ा को गया है, सबका गया है ना। कितने लाख के जेवर गए? कम से कम 10 लाख रुपए गया है। नगद 2 लाख रुपए नगद गया। कितने लोग आए? ये तो आ गया ना, इसलिए हम बताए भाई। तब भी अनुमान लगाया हो? अब हम जब बात बड़ी बात जगह हमने चीजें देख ही पाया उनके पास हथियार थे और बगैर हथियार का घर में डूब गई आई है क्या भैया? बस चोरी जो करो नहीं बगैर हथियार करो मुझे। नगर में आउटस्कर्ट पर एक घर है जिसमें अली मोहम्मद अपने परिवार के साथ रहते हैं। इनकी परचून की दुकान है, इनके बगल में एक खाली पड़ी फैक्ट्री है। संभवतः वहीं से कुछ लोग जो हैं ऊपर चढ़ करके इनकी छत पर आए और वहां से नीचे उतर के इनके घर में ये वारदात करी है। क्या क्या गया है, क्या कुछ वादी की तरफ से? देखिए अभी वादी की जो है उनकी चूंकि बेटी आ रखी है तो उन्होंने कहा है कि अभी हो सकता है उसका कुछ सामान हो, तो अभी वो बता रहे हैं, पर कुछ बता रहे हैं कि जेवर और कुछ नकदी गई है, पर अभी लिख करके वो डिटेल देंगे। प्रथम दृष्टांत पुलिस को क्या लग रहा है घटना? देखिए पुलिस अभी तो ये लग रहा है कि घटना इनको जो है ऊपर इनका लड़का का कहना है कि ऊपर का हमारा आज गेट खुला हुआ था, बंद नहीं किया था, रात में भूल गए थे, वहीं से ये बदमाश उतरे हैं, तो इसको हम देख रहे हैं। और उधर जो है जंगल में भी सर्च वगैरह कर रहे हैं, जैसा भी होगा जल्दी इसको घटना खुलासा करेंगे। अभी किसी तरीके का कोई साक्ष्य या किस तरीके का भी कुछ सामने आया है क्या? अभी इसको साक्ष्य वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं, फोरेंसिक टीम आई है, हमारी सर्वेलेंस टीम आ रही है, इसके बाद जैसे भी साक्ष्य होंगे तो तदनुसार आपको अवगत कराएंगे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।